कि क्या वो गेम के रूल्स हैं जो हमारे तीनों ही जानकार फॉलो करेंगे। तो शुरुआत उसी के साथ करते हैं क्योंकि ये नया हफ्ता है, तो एक बार फिर ये तमाम रूल्स आपके सामने आते हुए देखिए, ये शेयर मार्केट का रियल शो है, इसमें रियल मनी का इस्तेमाल होता है। रूल नंबर टू, शो में तीन एनालिस्ट होते हैं, हर एनालिस्ट खरीदने या बेचने की तीन तीन कॉल्स देगा, एक समय में तीन ही कॉल्स ओपन रह पाएंगी, एनालिस्ट दिन के दौरान दो बार अपनी कॉल्स बदल सकते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस में 3:1 का रेशो अनिवार्य है, कंपलसरी है। हर सोमवार को 11 बजे पहली बार कॉल्स दी जाएंगी, मंगलवार से 11 बजे से 3:30 बजे किसी भी समय कॉल्स दी जा सकती है, बदली जा सकती है, बाजार बंद होने के समय रिटर्न्स दिखाए जाएंगे और साथ ही साथ शुक्रवार को 3:30 बजे विनर की घोषणा होगी। याद रखिएगा, 10 से कम का ट्रेड इस गेम शो में आप नहीं ला सकते और कैश सेगमेंट के शेयर में आप एक सेल कॉल नहीं दे सकते। तो ये फिलहाल वो रूल्स हैं। चलिए अब रूबरू होते हैं हमारे तीनों ही जानकारों से, उनसे पूछते हैं कि मार्केट की चाल को देखकर उनका रवैया क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज हमने देखा है थोड़ी सी वॉलिटिलिटी है, लेकिन ओवरऑल जो मूड है वो तेजी का ही बना हुआ है। निफ्टी इस समय 17 पॉइंट नीचे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स और साथ ही साथ निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट इशारा कर रहा है कि मूड तेजी का बना रहेगा। मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर और निफ्टी बैंक में हमने देखा है करीब करीब 120 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। कई इंडिविजुअल स्टोरीज हैं जहां पर अच्छे नतीजे आए, जिसके चलते हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। आज रेलवे स्टॉक्स रेडार पर है, जो लेबोरेटरी काउंटर्स है, चाहे वो डॉक्टर लाल पैथ लैब हो, मेट्रोपोलिस जैसी कंपनियां हो, उनमें तेजी बनती हुई दिखाई दी है। और लार्जली एक बड़ा स्पेक्ट्रम है जहां पर आज हमने देखा है फिर से बैंकिंग काउंटर्स में बड़ी खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये पूरा मार्केट का मूड है। अब यहां से आगे अप्रोच क्या होनी चाहिए ये हमारे जानकारों से समझते हैं और शुरुआत करते हैं विकास सालुंखे से, जो हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है। विकास, गुड मॉर्निंग, बताइए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि अभी भी 11900 के आसपास बाजार थोड़ा सा शर्मा रहा है, हल्की मुनाफा वसूली हो रही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट से साइंस काफी तंदुरुस्त। गुड मॉर्निंग हर्षा। देखो, लास्ट वीक में जो हमने वॉलेटिलिटी देखी थी, आज ये वीक में भी मुझे लगता है कि क्वार्टर रिजल्ट के जो लास्ट दिन कुछ बाकी है उसमें मिड कैप्स और स्मॉल कैप में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे कैरी होते हुए दिखेगा। ओवरऑल अगर मार्केट सेटअप देखो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर 11840 के ऊपर जब तक इंडेक्स ट्रेड कर रहा है तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज्यादा कुछ वीकनेस देखने मिलेगी। वापस इसी रेंज से एक बाउंस बैक यहाँ पे इंडेक्स में देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे सेटअप जो है अभी भी मुझे लगता है पॉजिटिव है। आज अगर मुझे लगता है कि वापस 11920 के ऊपर अगर निकलती है तो मुझे लगता है वहां से वापस एक अपसाइड मोमेंटम यहां पे देखने मिल सकता है। ओवरऑल अगर सेक्टरल बात करूं तो मुझे लगता है कि आईटी पैक में थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर लास्ट कुछ दिनों से बना हुआ है, मुझे लगता है वो भी आगे जाके थोड़ा बहुत कैरी होगा। बट ओवरऑल अगर देखो तो बैंकिंग और बाकी सब सेक्टर में जिस हिसाब से मोमेंटम है तो मुझे लगता है कि मार्केट में आगे जाके एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मोमेंटम के साथ जाएंगे या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स के जरिए भी पैसा बनेगा? देखो, ओवरऑल जैसे मैंने बोला कि आईटी पैक में मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस हो सकती है, तो मेरा यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि मिड कैप स्टॉक पे ज्यादा फोकस रहेगा, वहां पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और मुझे लगता है लार्ज कैप में थोड़ा बहुत आईटी पैक में मुझे लगता है वहां पे एक प्रेशर देखने मिल सकता है। मुझे लगता है एक वॉलेटाइल सेशन यहां पे देखने मिल सकता है। कल छुट्टी है तो मुझे लगता है परसों के दिन में वापस एक अपसाइड मोमेंटम एक ऑल ऑफ अ सडन देखने मिल सकता है। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है पूरा वीक में। ओके, तो वॉलेटिलिटी रहेगी लेकिन मिड कैप्स में तेजी की पोजीशंस, और ऑफ कोर्स अगर मंदी का ट्रेड आता है तो टेक्नोलॉजी में शायद विकास के टीम में देखने को मिले। समित को जोड़ लेते हैं। समित, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी क्या स्ट्रेटजी है आज? गुड मॉर्निंग अर्षदा। देखिए, लास्ट 3-4 दिनों में थोड़ा हम निफ्टी में इनडिसीजन दिख रहे हैं, तो इनडिसीजन है, प्रॉफिट बुकिंग हम मान सकते हैं क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल आया हुआ है 12,100 का, और फिर हमने एक रिलेंटलेस रैली देखी है 11,100 से। इम्पोर्टेंट है ये जो 11,100 से हमने जो रैली देखी है इसमें मार्केट जो ब्रेथ है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, और इसी की वजह से जो टेक्सचर्स और प्रीवियस टेक्सचर्स और जो मार्केट में सेल ऑन एनी राइज वो अभी बाय ऑन एनी डिप हो गया है। और अभी भी पोजिशनली अगर बात करें जब तक 11,700-11,650 के लेवल इंटैक्ट है, हमें नहीं लगता कि मार्केट में कुछ यहाँ से बड़ा फॉल आपको दिखाई देगा। ये थोड़ा बहुत आपको ये ऐसा कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स में दिख सकता है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि 12,100 का जो लेवल है ऑल टाइम हाई है, निफ्टी बहुत जल्दी ब्रेक कर सकता है क्योंकि बीएससी सेंसेक्स ने ऑलरेडी वो लेवल ब्रेक किया ऑल टाइम हाई, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम हमें लगता है कि निफ्टी भी बहुत जल्दी वो छू सकता है। बैंक निफ्टी जो क्लियरली अंडर परफॉर्म कर रहा था कुछ दिनों से, 3-4 दिनों में उसमें एक थोड़ा हम रिवाइवल का साइन देख रहे हैं।
सो इट्स टाइम फॉर बैंक निफ्टी टू स्टेप अप नाउ. और हमें लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में आपको ट्रैक्शन अच्छे मिलेंगे. मिड कैप्स आज काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं और लास्ट तीन चार दिनों का एक थीम रहा है कि यू नो इंडिविजुअल थीम्स काफी ज्यादा प्ले आउट हो रही है. अगर आप देखो तो रियल्टी स्टॉक्स, हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स, ऑटो एंसरी, तो जो थीम्स है वो उसको ही आपको फोकस करना है और इंडिविजुअल स्टॉक्स भी आपको ज्यादा यू नो यहाँ पे ट्रेड करना है. ओके, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स वाली आइडियाज ढेरों देखने को मिलेंगे इस कार्यक्रम में. राहुल शर्मा को जोड़ लेते हैं. राहुल गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी क्या रणनीति रहेगी आज. गुड मॉर्निंग. निफ्टी में 900 पॉइंट्स से ज्यादा का हमने तेजी देखने मिला है. उसके बाद में मार्केट लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा नर्वस जरूर हुआ है. अगर वीकली चार्ट से हम देखें तो निफ्टी ने एक डोजी स्ट्रक्चर बनाया है जो एक इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट पॉज लेके पॉसिबली एक छोटा करेक्शन देखने मिल सकता है नीचे में. नीचे में सपोर्ट लेवल्स काफ़ी है और इनफैक्ट हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट लेवल्स है. 11850 पे इमीडिएट सपोर्ट है, 11700 पे अगला सपोर्ट है और 11600 पे डेरिवेटिव डेटा का सपोर्ट है. सो डेफिनेटली ये जो डिप है ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा बाइंग का. यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है. 12,000 का साइकोलॉजिकल लेवल बहुत पास में है और मार्केट फॉलो अप बाइंग मार्केट में देखने मिल नहीं रही है. सो मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर निफ्टी अच्छे डिप यहाँ पर देखने मिल जाती है तो वहाँ पर एंट्री के बहुत अच्छे मौके होंगे और ऊपर में 12,000 का जो लेवल है वो पॉसिबली सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ में मार्केट निकालने की कोशिश कर सकता है. तो डिप पर आप मौके ढूंढेंगे तेजी के. ये फिलहाल एक रफ स्ट्रैटेजी मार्केट के मूड को देखकर हमारे जानकारों ने सामने रखिए. तो चलिए मैदान में उतरते हैं और एक एक करके इनके आइडियाज भी सामने लेकर आते हैं. विकास बताइए आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा. देखो जैसे मैंने बोला कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो, तो मुझे लिबर्टी शूज में यहाँ पे लगता है कि एक वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पे फ्राइडे के दिन देखने मिला था और आज भी इस हिसाब से देखो तो फर्स्ट हाफ में जो वॉल्यूम यहाँ पे देखने मिला है तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे लिबर्टी शूज पे देखने मिल सकता है. ऊपर में मुझे लगता है 158 जो नए हाई की तरफ यहाँ का एक मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकता है. नीचे में 128 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए. ओवरऑल अगर यहाँ पे स्टार स्ट्रक्चर देखूँ तो लास्ट कुछ दिनों से एक अच्छा खासा मोमेंटम है, एक वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है और मार्केट यहाँ पे एक नए हाई की तरफ आने की कोशिश करें तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत मिड कैप जो कैप है यहाँ पे वहां से एक अच्छा खासा एक मोमेंटम और एक इंट्रो यहाँ पे एक मार्केट में कॉन्सेंट्रेट ये आ सकता है कि यहाँ से एक मोमेंटम कैरी कर सकता है. बट मुझे लगता है कि लिबर्टी शूज मेरा पहला बाय कॉल रहेगा. यहाँ से 158-160 के लेवल्स यहाँ से एक से दो दिन में देखने मिल सकते. नीचे में 128 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के लेके जाना. तो 20 रुपए ऊपर के टारगेट्स आ रहे हैं. 158 का यहाँ पर टारगेट है लिबर्टी शूज में और स्टॉक इस समय अगर आप देखेंगे तो 5-6% की तेजी में वैसे भी है और विकास को लग रहा है यहां पर मोमेंटम और बढ़ेगा. देखिए विकास के बोलने के बाद यहां पर 1% और इसने जोड़ लिए. 138.50 रुपए के लेवल्स पर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है काउंटर. ये है विकास की पहली पिक. राहुल आप बताइए आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा. RBL बैंक में एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है. लास्ट एक महीने से ये स्टॉक में ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है और आज के सेशन में इसमें एक एग्रेसिव बाइंग देखने मिल रही है. फ्राइडे के सेशन में भी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने मिली थी हमें इसमें. सो RBL बैंक आप ये लेवल्स पे बाय करके चल सकते हैं. यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि इसका जो प्रीवियस हाई जो था अराउंड 400 के आसपास का वो ये टेस्ट कर सकता है. काफ़ी हाई बीटा स्टॉक है सो एक्सपेक्टेड है कि ओवरऑल अगर पैटर्न प्ले आउट कर जाता है तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है. सो ऊपर में 400 का टारगेट है और नीचे में 310 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रिकमेंडेशन है. तो हाई बीटा ट्रेड RBL बैंक अब शामिल हो रहा है इस खेल में और 400 के टारगेट के लिए राहुल शर्मा इस पर दाव लगा रहे. 310 का स्टॉप लॉस आप जरूर नोट कीजिएगा. पिछले सत्र में भी यहां पर एक पुल बैक देखने को मिला था, अब वो ट्रेंड और मजबूत होता दिखाई दे रहा है. आज देखिए खुलने के बाद 4% ऊपर ये काउंटर ट्रेड में. समित आप बताइए आप किसके साथ शुरुआत करेंगे. देखिए ऐसे तो मिड कैप फ्लेवर है आज का मार्केट का, तो हमें लगता है कि मिड कैप पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए. टिनप्लेट जो एक यू नो कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा था रिसेंटली, लास्ट वीक उसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर से एक ब्रेकआउट किया था और आज हम इसमें एक क्लियरली प्रॉफिट थोड़ा बहुत फॉलो अप मूव देख रहे हैं. तो यहाँ से हमें लगता है कि टिनप्लेट में जो ये रैली है वो एक्सटेंड होगी. 150 से लेकर 155 के हमारे टारगेट आएंगे. तो शो के लिए मैंने 150 का इसका टारगेट दिया हुआ है. स्टॉप लॉस 127 का है. 150 का आप टारगेट दे रहे हैं टिनप्लेट का और स्टॉप लॉस एक बार फिर दोहराएंगे 127. तो ये देखिए टिनप्लेट और टिनप्लेट इस समय आपके बोलने के साथ ही करीब करीब 4% ऊपर आ गया. 136.90 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं टिनप्लेट में इस समय, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर. चलिए अब अगले भी ट्रेड समझ लेते हैं. एक एक स्टॉक सामने आया है. राहुल आप बताइए आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा.
हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पिछले एक महीने की ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया है फ्राइडे को, वीकली क्लोजिंग भी क्रूशियल 2140 के सपोर्ट के नीचे रहा है, और साथ ही में इसके अंदर एक ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा राउंड देखने को मिल सकता है। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर शॉर्ट करके चल सकते हैं 2140 के स्टॉप लॉस से, और नीचे में 1950 तक के लेवल देखने की इसमें उम्मीद है। ओके, तो ये HUL अब अगला कैंडिडेट, और ये कॉन्ट्रा ट्रेड है, यानी कि अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर इसे शॉर्ट करने की सलाह है। वैसे तेजी का मार्केट है, तेजी की बात लोग कर रहे हैं, डिप पर खरीदारी की बात हो रही है, लेकिन HUL पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए एक मंदी के ट्रेड के साथ राहुल शर्मा जा रहे हैं 0.5%। वैसे भी ये स्टॉक नीचे है। समित, आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा? आपने टिनप्लेट कहा, दूसरा ट्रेड क्या है? देखिए, फार्मा में हम थोड़ा बहुत लास्ट 2-3 वीक से एक अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं, अच्छी रिकवरी दिखी हमने ल्यूपिन सन फार्मा में, ये थोड़े ये हल्के हुए हायर लेवल से, बट मिड कैप फार्मा पे अभी भी आप फोकस कर सकते हो। अगर आप इसका लाल पैड देखो तो उनमें ऑल टाइम हाई अभी भी दिख रहा है, तो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स रहेगा जो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इसमें कैचअप मूव आ सकती है बहुत जल्दी, तो ग्रेन्यूल्स यहाँ पे बाय करने की सलाह होगी मिड कैप फार्मा में। स्टॉप लॉस 117 का होगा, और हमें लग रहा है कि ये रैली एक्सटेंड होगी यहाँ से 135-137 के इसके टारगेट्स हैं। ओके, तो मिड कैप में एक और स्टॉक समित के पोर्टफोलियो में जुड़ रहा है, ग्रैन्यूल्स इंडिया, कैचअप के लिए तैयार है, 135 के टारगेट के लिए खरीदें, और स्टॉक देखिए 1.5% ऊपर, 117 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, ये फिलहाल समित का कहना है। विकास ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की लिबर्टी शूज को जोड़कर, अगला स्टॉक आपका कौन सा रहेगा विकास? कॉम्टम पे मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने मिल सकता है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर देखो एक रिट्रेसमेंट जो था इसमें 161 का जो ब्रेकआउट यहाँ पे 262 के ऊपर का देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे काउंटर में एक अच्छा खासा एक मोमेंटम कैरी हो सकता है। ऊपर में मुझे लगता है कि 280 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। नीचे में आज जहाँ से एक मोमेंटम देखने मिला था इस काउंटर में, तो मुझे लगता है वहाँ से एक स्टॉप लॉस रख के नीचे जाना चाहिए, बट ओवरऑल अगर यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देखो तो एक पॉजिटिव है। ऊपर में अगर मोमेंटम इंडिकेटर की बात करो, RSI भी यहाँ पे मिडवे में एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहा है, तो मुझे लगता है ये काउंटर में आगे जाके अच्छे खासे लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो एक से दो दिन के लिए मुझे लगता है कि क्रॉम्पटन में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। ओके, तो पॉजिटिव मोमेंटम के लिए क्रॉम्पटन कंज्यूमर माइंड यू इस ट्रेड पर आप फोकस करें। स्टॉप लॉस 255 का, हाल फिलहाल में इसकी काफी धुलाई हुई, लेकिन अब लग रहा है कि चार्ट पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस तेजी की तरफ दिखा पाएगा, टिक पाएगा ऊपर एक काउंटर, इसीलिए विकास ने इसे अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। सेंसेक्स अब 62 पॉइंट नीचे आ रहा है, निफ्टी पर भी हल्का दबाव है, लेकिन 100-100 पॉइंट की बढ़त पर मिड कैप और निफ्टी बैंक अभी भी टिका हुआ है, तो ब्रॉडर मार्केट अब तक परफॉर्म कर रहा है पॉजिटिव में। लेंगे एक ब्रेक, आगे कुछ और ट्रेड्स आपके लिए हाजिर करेंगे। लगता है हाउस वार्मिंग में सबको इम्प्रेस करके छोड़ोगी। तुम अपने काम पे ध्यान दो। जी मैडम। एक बार आके देख लो, कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। सिर्फ मेरा नाम क्यों? अरे जिसने घर खरीदा है उसी का नाम होना चाहिए ना। और फ्रेंड्स क्या कहेंगे? फ्रेंड्स कहेंगे कि काश अपनी बीवी भी ऐसी होती। पिछले 100 सालों से ऐसी हर अच्छी शुरुआत का साथ दे रहे हैं हम और हमारी न्यू एज बैंकिंग सर्विसेज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए पूरी तरह सुरक्षित। प्लास्टर है तो गारंटी है। Extremely competitive world of business, we know how to make room for you. Pantomath, always by your side. Dolega, bhagega. Baba, all seasons ke liye kuch bhi karega. I'm a man of all seasons. Finvisia,
इंडिया का कमीशन फ्री फाइनेंशियल इकोसिस्टम, जीरो ब्रोकरेज इंट्राडे, जीरो ब्रोकरेज डिलीवरी, जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जीरो एएमसी, जीरो क्लियरिंग चार्जेस, जीरो कॉल इन ट्रेड, जीरो मिनिमम बैलेंस, जीरो वॉल्यूम कमिटमेंट. यहाँ जीरो का मतलब जीरो है. इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. हर एक की लाइफ में अलग अलग चीजें हैप्पीनेस की वजह बनती हैं, पर मुनाफे की मिठास हर लाइफ में खुशियां घोलती है. अपने हैप्पीनेस के मीटर को हर रोज बढ़ाएं और मार्केट बंद होने से पहले हमारी शानदार ट्रेडिंग टिप्स से जबरदस्त मुनाफा कमाएं. देखिए कमाई का हैप्पी आवर, आखिरी सौदा सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर. के प्रायोजक है फिनवेजिया. यहाँ जीरो का मतलब जीरो है. ये नया भारत है, हम तैयार हैं. डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डटे रहेंगे. जी के टीएमटी के सामने आग, संग, भूकंप जैसा हर खतरा जरूर सलाम ठोकेगा. जी के टीएमटी सरिया, हमारी ताकत देश की हिम्मत. अमित जी. हाँ जी. सुना है आप अपना बेकाजू भुजिया किसी से शेयर नहीं करते? नहीं, किसने कहा आपको? Who told you? मुझे खाएगा? खाएगा भुजिया? हाँ, ये ले. खाएंगे आप? मैं अपना बेकाजू भुजिया सबके साथ शेयर करता हूँ. कौन सा मौका? अमित जी लव्स बेकाजू. MY के लाटीक्रेट टाइल एडहेसिव, अब टाइल ना टूटेगा ना छूटेगा. पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से आप सभी को 550वीं गुरु नानक जन्मतिथि की हार्दिक शुभकामनाएं. बाजार में आज देखिए मिड और स्मॉल कैप्स में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला और आज एक और सत्र साबित हो रहा है जहां पर इंडिविजुअल आइडियाज कमाल दिखा रही हैं. ऐसे ही कुछ स्टॉक्स की आज हम सुबह से ही बात कर रहे हैं, उनमें से एक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे अमर राजा बैटरी. नतीजे दमदार और उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग दिखाई और लगातार स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी. अब 7% तक की बढ़त देखने को मिल रही है. याद रखिएगा इन नतीजों में जो अच्छी बात है वो यही है कि मार्जिन लगातार 5 क्वार्टर से बेहतर हो रहे हैं और इस तिमाही यानी कि Q2 FY20 में भी हमने देखा कि मार्जिन्स में तकरीबन 380 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है और वही फैक्टर है कि ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर है करीब 47 रुपए की बढ़त के साथ. और ऐसे ही कुछ बेहतरीन आइडियाज आगे भी आपके लिए लेकर आएंगे. सुबह में ही इसका जिक्र हुआ था और ये देखिए क्या दमदार रिटर्न्स इसने कमाए हैं. चलिए फोकस करते हैं आज हमारे खेल पर और फोकस हमारा आज तीन नए जानकारों के साथ बढ़ गया है इंडिविजुअल आइडियाज पर. विकास सालुंखे है मैदान में, राहुल शर्मा और समित चौहान. तीनों से हम जान रहे हैं कि किस तरह के आइडियाज आप लेकर चले. अब तक देखिए ज्यादातर तेजी के आइडियाज आए हैं. सिर्फ एक मंदी का ट्रेड जो लिया है राहुल शर्मा ने HUL में. अब यहां से आगे क्या राहुल कुछ और मंदी के ट्रेड्स पर फोकस करेंगे या फिर तेजी पर फिर से ध्यान जाएगा, उन्हीं से जान लेते हैं. राहुल बताइए तीसरा ट्रेड क्या है आज का? देखिए आउट एंड आउट मंदी की स्ट्रैटेजी तो नहीं है क्योंकि निफ्टी यहाँ पर क्लियर ट्रेंड नहीं दे रहा है और एक्सपेक्टेड है कि डिप आना चाहिए. तो क्लियर शॉर्ट तो नहीं कर रहे हैं बट अल्टरनेट बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकती है. बैंक निफ्टी में खास करके कोटक महिंद्रा बैंक ने आज बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है. वो काफ़ी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था. इनफैक्ट जो बड़ा मूव आया था उसके बाद में उसने कंटिन्यूस देखा है कि स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है और आज वो स्टॉक
स्टॉक ने 1600 का जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन किया है। फ्राइडे के सेशन में भी अच्छी वॉल्यूम देखने मिली थी, इनफैक्ट वॉल्यूम भी जो है वो 14 दिनों के हाइज पर है। सो ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम कन्फर्मेशन भी है और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 3-4 दिनों में ये स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल सकता है। ऊपर में 1700 का इसका जो टारगेट है वो आने की उम्मीद है और 1580 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रिकमेंडेशन है। सो ओवरऑल मार्केट डेफिनेटली एकदम एग्रेसिव नहीं है, बट जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं उनमें बैंकिंग जरूर है। ओके, तो 1700 का टारगेट आप ले रहे हैं और 1580 का स्टॉप लॉस, और इस तरह का अगर दिग्गज परफॉर्म कर जाए तो ओवरऑल रिटर्न्स में भी काफी मदद मिलती है। तो कोटक महिंद्रा बैंक जिस समय 0.5% ऊपर है, राहुल को पूरा भरोसा है कि आगे 100 रुपए तक की और बढ़त दिखाएगा, 1700 के टारगेट के लिए इन्होंने लिया है। विकास आप बताइए आप अगला ट्रेड क्या जोड़ेंगे, दो आपने लिबर्टी और क्रॉम्पटन कंज्यूमर के साथ कारोबार की शुरुआत की है। देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एफएमसीजी और टेक कंपनीज में आईटी कंपनीज में एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने मिलेगा आगे जाके, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे माइंडट्री यहाँ पे देखो तो एक डेली चार्ट पे एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर रहा है, ऊपर से आरएसआई जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे नेगेटिव बता रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक और आगे जाके और प्रेशर बिल्ड हो सकता है। 651 के टारगेट के लिए यहाँ पे सेल कॉल लेके जाना चाहिए। अपसाइड में मुझे लगता है 710 एक अपसाइड में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एक रुक सकता है, उसको एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे लेके जा सकते हैं। ओके, तो एक और सेल आइडिया आ रहा है और टेक्नोलॉजी आज सुबह से कमजोर है, इसीलिए माइंडट्री को जोड़ा है विकास ने अपने इस पोर्टफोलियो में। 651 का टारगेट और 710 का स्टॉप लॉस रखिए। आप बताइए समित, दो तेजी के ट्रेड्स, कुछ आप अपने पियर्स के साथ एक मंदी का ट्रेड जोड़ना चाहेंगे या फिर तेजी में ही बने रहेंगे? जी नहीं अर्शदा, हम लॉन्ग के साथ ही रहेंगे, जो ब्रॉडर डिग्री डायरेक्शन है उसके साथ ही रहेंगे। अगर हम बोल रहे बाय ऑन डेप्थ तो हम वही स्ट्रेटेजी के साथ रहेंगे। तो इसमें एक एयू स्मॉल फाइनेंस जो एक स्टडी मूवर रहा है, हालांकि थोड़ा कंसोलिडेशन फेज से चल रहा है, थोड़ा लो बीटा काउंटर माना जाता है, बट लास्ट एक दो दिनों से इसमें थोड़ा इंकरेजिंग साइंस दिख रहे हैं और आज पहले एक डेढ़ घंटे का जो इसका वॉल्यूम एक्शन है उसके जो औसत डेली वॉल्यूम है उसके इतना ऑलरेडी हो गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, हम वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो ये स्मॉल फाइनेंस के साथ लॉन्ग करने की सलाह होगी। 738 का टारगेट, 675 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये तो एक और बाय साइड का आइडिया आ गया है यू स्मॉल फाइनेंस में 738 के टारगेट के। चलिए अब एक एक करके तीनों ही जानकारों के पोर्टफोलियो देख लेते हैं और देखते हैं कि किस स्टॉक का क्या बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ओवरऑल अब तक के रिटर्न्स भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो समित के साथ शुरुआत करते हैं। समित ने तीन आइडियाज दिए, टिन प्लेट 150 का टारगेट बाय कॉल, ग्रैन्यूल्स 135 का टारगेट बाय कॉल और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 738 का टारगेट बाय कॉल। स्टॉप लॉसेस भी आप नोट कीजिए अगर आप ये ट्रेड्स फॉलो कर रहे हैं। अब किस स्टॉक का सबसे ज्यादा योगदान है वो वाला परसेंटेज रिटर्न भी इसी के साथ में लेकर आइएगा। डायरेक्टर साहब, विकास सालुंखे ने जो ट्रेड्स लिए हैं उसमें क्रॉम्पटन कंज्यूमर बाय कॉल 280 का टारगेट, लिबर्टी शूज बाय कॉल 158 का टारगेट और माइंडट्री में एक सेल कॉल है जिसमें जो टारगेट है वो 651 का है। राहुल शर्मा ने भी दो तेजी के ट्रेड्स, एक मंदी का ट्रेड आपके सामने, एचयूएल 1950 का टारगेट, कोटक महिंद्रा बैंक 1700 के टारगेट के लिए बाय कॉल है और आरबीएल में भी 400 के टारगेट के लिए एक बाय कॉल इन्होंने लिया है। अब देख लेते हैं कि किस स्टॉक का सबसे ज्यादा योगदान है। तो समित के लिए ग्रैन्यूल्स इंडिया सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, ये आप नोट कीजिएगा। अब देखते हैं कि विकास सालुंखे के लिए कौन से स्टॉक में सबसे बड़ा योगदान है, तो लिबर्टी शूज इनके लिए काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है और साथ ही साथ माइंडट्री भी हल्का कंट्रीब्यूशन इसकी ओर से आता हुआ। राहुल शर्मा के लिए इनफैक्ट आरबीएल में थोड़ा सा ऊपरी लेवल्स पर प्रेशर आने लगा है, तो इनके ट्रेड शायद समय लेंगे पिकअप करने के लिए, बट यू नेवर नो, काफी वॉलिटिलिटी है मार्केट में और काफी बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स भी आगे देखने को मिलेंगे आपको। तो अब तक के रिटर्न्स आपके सामने है, विकास सालुंखे लीड कर रहे हैं, लिबर्टी शूज का कॉल इनके लिए एकदम फेवरेबल पड़ा है 1.5% तक के रिटर्न्स और समित चौहान दूसरे स्थान पर, राहुल शर्मा एक थोड़ी सी धीमी शुरुआत दिखा रहे हैं। तो ये है खिलाड़ी नंबर वन का ओपनिंग ट्रेड और ऑफकोर्स आज दिन भर इनसे बातचीत जारी रहेगी, इनसे जानेंगे क्या बदलाव करना है, पोजिशन आगे मार्केट को देकर ये क्या रखेंगे। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन, आपसे चर्चा हम करते रहेंगे। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स जो 100-150 पॉइंट ऊपर थे वहां पर भी ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली आने लगी है और निफ्टी जो है वो आपके सामने 11,880 के नीचे ट्रेड करता हुआ, तो कुछ प्रेशर बन रहा है, तो आप थोड़ा सा सावधान रहें और याद रखिएगा मार्केट में अब तक का व्यू यही है कि डिप पर आप खरीदें। चलिए लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ गोल्ड स्पॉट में।
Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. के प्रायोजक है स्वास्थ्यका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड इन्वेस्ट हियर गेट देयर. लगता है हाउस वार्मिंग में सबको इम्प्रेस करके छोड़ोगी. तुम अपने काम पे ध्यान दो. जी मैडम. एक बार आके देख लो कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी. सिर्फ मेरा नाम क्यों? अरे जिसने घर खरीदा है उसी का नाम होना चाहिए ना. और फ्रेंड्स क्या कहेंगे? फ्रेंड्स कहेंगे कि काश अपनी बीवी भी ऐसी होती. पिछले 100 सालों से ऐसी हर अच्छी शुरुआत का साथ दे रहे हैं हम और हमारी न्यू एज बैंकिंग सर्विसेज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. जो चीज जितनी अहम होती है उतनी ही नजर में नहीं आती. जैसे स्टील पाइप देश के हर हिस्से हर घर में दिखेगा. कभी नन्ही शरारतों में तो कभी कामयाबियों में दिखेगा. हमेशा देखेंगे एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स की अनदेखी ताकत जो मजबूती दे रही है आपको देश को. रोज गुजरता हूं मेरा ही ध्यान नहीं गया. एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स देश की अनदेखी ताकत. कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर कौन सा शेयर खरीदे? कंफ्यूज्ड? मैं तो क्लियर हूँ क्योंकि मेरे पीछे SMC मनी वाइज बी वाइज. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. वी स्टिल नीड टू फाइंड अ होटल. गाइस चिल, ट्रिवागो पे चेक करते हैं. हियर द क्विक होटल लुक्स गुड. अच्छा मेरे यहाँ पे देखता हूँ बेस्ट डील्स फॉर द रियल डील. ओके बट ये लो 6500 रुपीज. ये देख 4000 only on Trivago. Complimentary breakfast included. Trivago promo booking websites को hotel deals के लिए scan करता है ताकि आप अपने पसंदीदा hotel पे सबसे अच्छी deal पा सकें और 2500 रुपए तक बचत कर सकते हैं. Hotel Trivago. पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से आप सभी को 550वीं गुरु नानक जन्मतिथि की हार्दिक शुभकामनाएं. पहली चाल शानदार रणनीति बदलेगी आपकी किस्मत. मार्केट की हर बाजी होगी आपकी. जब तैयारी होगी पूरी देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर. के प्रायोजक है SMC मनी वाइज बी वाइज. क्या आपको इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है? आपको चाहिए होगा एक ऑफिस स्टाफ रिसर्च सेबी रजिस्ट्रेशन और सॉफ्टवेयर. टेंशन हटाओ और ये सब कुछ पाओ विद AAA फ्रॉम IIFL सिक्योरिटीज. कीजिए इक्विटी में ट्रेड. ऑफर कीजिए क्लाइंट्स को मल्टीपल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और कमाइए उम्दा कमीशन. 360 डिग्री पोर्टफोलियो रिपोर्ट के साथ अपना बिजनेस भी ट्रैक कीजिए. आज ही IIFL.com/AAA पर रजिस्टर कीजिए और बन जाइए एडवाइजर एनी टाइम एनीवेयर. AAA बाय IIFL सिक्योरिटीज. इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. प्लास्टो CPVC पाइप्स ना गले ना जंग लगे. बेमिसाल मजबूती और सालों साल चलने की गारंटी. प्लास्टो है तो गारंटी है. Jewels of Desire. Dhokla taste kara me. Oh, saras che. Pack kar dao. Arara, patra taste kara. Samosa. Pack kar dao. Arara. Ek baar ma swad mile na mile. Load zarur maar se. Ab Bharat ka number 1. De ek visit mein gold loan. Sirf 1% vyaj dar par. Aaj hi do hathi wale Muthoot Finance aaiye aur life mein aage badhiye. Call kijiye 1-800-313-1212. Mujhe kachhi lapan thi vanili cheeze ke ye tehwar mein mali wahi jagya anje ghar ji bhate the. मुझे त्योहार भनी भी हो हजी है बनो आभार. यह
या सणाला तुमच्या जितक्या ऑर्डर्स वाढल्या तितका आनंद माझ्या कुटुंबाला मिळाला. खूप धन्यवाद. பண்டிகை காலத்துல உங்க ஆர்டரை டெலிவர் பண்ணும்போது உங்க முகத்துல ஒரு புன்னகைய பாக்குறேன். அந்த ஆர்டர்ஸ் காரணமா இன்னைக்கு எங்க குடும்பமே புன்னகைக்கிறாங்க, பெருமையோட பண்டிகையும் கொண்டாடுறாங்க. நன்றிங்க. इस त्योहार आपकी वजह से हमारे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी में आई खुशी और हमारे त्योहार में बढ़ी रौनक. थैंक यू. चौंकिए मत, कमीशन लेना तो इनका हक है. क्या आप रियल लाइफ में ऐसा होने देते हैं, फिर ट्रेडिंग में क्यों? इन्वेशिया, इंडिया का कमीशन फ्री फाइनेंशियल इकोसिस्टम. यहाँ जीरो का मतलब जीरो है. इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज. पावर्ड बाय BSE, एक्सपीरियंस द न्यू. में आपका स्वागत है. मैं हूं मनीषा गुप्ता. और सोने चांदी में हमने छोटे दायरे में कारोबार देखा है पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें अभी भी 3 महीने के निचले स्तर पर बनी हैं. अमेरिका चीन में डील को लेकर आशंका से कीमतों को आज थोड़ा सा सपोर्ट मिला है. आप देख सकते हैं 0.25% की बढ़त यहां पर सोने में है, 1462 के स्तर वहां. और भारतीय बाजारों में अभी भी यहां पर काफी सपाट कारोबार देखने को मिला है. अगर घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी इस गिरावट की वजह से निकली है. खरीफ फसलों की आवक बढ़ने से ग्रामीण मांग को सपोर्ट मिला है. इसके अलावा बुलियन मार्केट में एक ट्रेंड और देखने को मिला है, वो ये कि नकदी की किल्लत के चलते सोने को गिरवी रखने का प्रचलन बढ़ा है. इन्हीं खास मुद्दों पर आज हम करेंगे फोकस गोल्ड स्पॉट में. गोल्ड स्पॉट पे हमारे साथ जुड़े हैं जेमन ज्वेलरी ट्रेड काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट शांति भाई पटेल, हीरालाल मोतीलाल सराफ के संदीप बरजातिया और निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह. आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में. कुणाल, पहले आपसे शुरुआत करेंगे. और जो अंतर्राष्ट्रीय क्यूज हैं उसका सीधा असर हमने यहाँ पर करेंसी में और सोने चांदी में भी पड़ते हुए देखा है. पिछले हफ्ते की गिरावट खासी जोरदार थी. करीबन 3.25% की गिरावट सोने में, 6.5% की गिरावट चांदी में. 3 महीने के लोज पर अब यहाँ पर सोना कारोबार कर रहा है. इन स्तरों पे अब आप क्या करने की राय देंगे? आई थिंक यहाँ से थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप. 37,650 के आसपास आप M6 पे गोल्ड बाय करेंगे तो आपको 37,850-900 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं. बट पिछले हफ्ते जो गिरावट हमने देखी है उसका दो मेन रीजन है. दैट इज वन, द ज्वेलरी डिमांड फ्रॉम इंडिया एंड चाइना इज सिग्निफिकेंटली फॉलन डाउन. और जो दूसरा मेन रीजन है, US का जो 10-year बॉन्ड यील्ड था जो कम होके नीचे में 1.50 हो गया था, वो बढ़ के 1.92. सो द ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैव इंक्रीज इन द US की US में ग्रोथ स्ट्रांग है. तो उसके चलते हुए एक बार इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक किया और हमने ETF में भी एक रिडेम्पशन आते हुए देखा है. बट आई थिंक दीज ऑल आर टेम्पररी फैक्टर्स. और कोई भी आगे जाके कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है कि नहीं इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन दिस कैन रिवर्स. बट नियर टर्म में मुझे एक छोटी सी अपसाइड, एक छोटा सा बाउंस नजर आ रहा है. कुणाल, हमने 1460 के स्तर भी टूटते हुए देखे, 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर सोना गया है. तो अब रेंज क्या यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है? निचले स्तरों की भी अगर बात करें तो क्या रिस्क हैं यहाँ? जी, मुझे ऑन द डाउन साइड फिलहाल 1455 से नीचे गोल्ड इमीडिएटली नहीं लग रहा है. और ऑन द अप मूव में मैक्सिमम 1480-85 तक लग रहा है. सो आई थिंक रेंज विल बी 1455 to 1480. चलिए 1455 टू 1480 की यहाँ पर एक रेंज है. लेकिन भाव गिरने का एक फायदा यहाँ पर यह है कि भारतीय बाजारों में हमने यहाँ पर खरीदारी आते हुए देखी है. शांति भाई, आपको यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहेंगे. एज ऑफ नाउ, अंटिल नाउ, पहले तो ये बताइए कि खरीदारी कैसी है. और अब क्योंकि खरीफ की आवक बाजार में है तो कुछ बहुत वो जो रूरल इंडिया की डिमांड निकलती है वो भी शायद इन स्तरों पर निकलनी शुरू हुई होगी.
दिवाली के बाद खरीदारी बहुत अच्छी हुई है और दिवाली से शुरू भी होगी, ग्रामीण लेवल में भी खरीदी अच्छी है और सामने वेडिंग की सीजन भी आ रही है। मेरे हिसाब से 39 के आसपास का जो गोल्ड रेट है तो इस हिसाब से खरीदी अच्छी तरह से बाजार में निकली है। छेले वीक की बात करूँ तो सौराष्ट्र में देखो, साउथ में देखो, नॉर्थ में देखो, ईस्ट में सभी शॉप में अच्छी तरह से दिवाली के बाद वेडिंग की सीजन और फेस्टिवल की सीजन दोनों की खरीदारी शुरू हुई है। पहले सबको लगता था कि 40,000 से ऊपर का सोना रहेगा, पर सोना गिरा है, उसकी भी मार्केट में इफेक्ट अच्छी हुई है। मेरे हिसाब से अभी ये माहौल चालू रहेगा और दूसरा मौसम भी अच्छी है, बारिश भी अच्छी आई है और आम जनता की बास भी जो सबको सपोर्ट मिलता है सोने की खरीदे के। पहले लोग सोचते थे पुराना सोना देके नई ज्वेलरी बनाने का, वो दिवाली पहले थोड़ा माहौल वो भी चला था, अभी नए लोग जो आ रहे हैं तो अच्छी तरह से खरीदी कर रही है। मैं मानता हूँ ये फेस्टिवल के हिसाब से सीजन अच्छी है और अच्छी रहेगी और ये फेब्रुवरी तक ये माहौल रहेगा। एनआरआई का भी मूवमेंट शुरू हो गया है, एनआरआई लोग भी आ रहे हैं तो उनका भी कामकाज शुरू हो रहा है। मेरे हिसाब से पहले थोड़ी हैवी ज्वेलरी कम चलती थी, अभी थोड़ी हैवी ज्वेलरी वेडिंग के हिसाब से भी शुरू हो रही है। तो मेरा मानना है कि सीजन अच्छी तरह से जाएगी और जो भाव रेट है मैं मानता हूँ कि 39 से और भी थोड़ा कम होएगा, 38 के आसपास होएगा तो और सीजन अच्छी तरह से चलेगी। 37,700 के आसपास हम एमसीएक्स पे भाव देख रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स स्पॉट में यहाँ पर बाजार इससे ज्यादा है, उसके ऊपर आप बनवाई भी देते हैं तो भाव उस हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर चढ़ते हैं, लेकिन ऑल टाइम हाईज जो हमने इस साल में बनते हुए देखे थे वहां से करीबन 7.5% की गिरावट हमने भावों में सोने में यहाँ पर आते हुए देखी है। शांति भाई, एक और चीज और वो दूसरा कि ऑफकोर्स जैसे आपने कहा कि शादियों की खरीदारी, रूरल इंडिया की मांग निकलेगी, एनआरआईज की शादियों की मांग भी यहाँ पर निकलेगी तो सोने में खरीदारी यहाँ पर लौटेगी, लेकिन एक और जो तबका है जहां पर हमने फाइनेंसिंग प्रॉब्लम्स आते हुए देखी हैं, लिक्विडिटी क्रंच वगैरह भी है, वहां पर हमने देखा है कि सोना जो लोन में या जो मॉर्टगेज में दिया जाता है, कैश उठाया जाता है उसके अगेंस्ट, वो नंबर यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। तो क्लियरली सोना ऐसे समय में यहां पर काम आता ही है, लेकिन इस चलन को आप कैसे देखते हैं? शांति भाई, ये सवाल आपसे था। बंद हो गया, उन तक हमारी आवाज फिलहाल यहाँ पर पहुंच नहीं पा रही, लेकिन जैसे मैं आपको बता रही थी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की भी एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से हमने स्क्रैप गोल्ड इस साल में करीबन 38% चढ़ता हुआ देखा है। और इसके अलावा ये तो एक्सचेंज का गोल्ड है, स्क्रैप गोल्ड है, लेकिन जो लोग यहाँ पर सोना लोन पे रख रहे हैं या फिर जिसके सामने कैश उठा रहे हैं वो भी एक नंबर है जो हमने यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखा है। हमारे साथ संदीपन बरजात्या भी यहाँ पर अब जुड़े हैं। संदीपन नमस्कार, आपका भी स्वागत है शो में। आप क्या कहेंगे, एक तरफ खरीदारी सोने की अब यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि लोग सोने के सामने कैश भी उठा रहे हैं, उनकी तादाद भी यहां पर बढ़ रही है, तो इन दोनों ही ट्रेंड्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग कैश उठा रहे हैं मार्केट से वो डिपेंड करता है किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनकी अर्निंग किस लेवल पर है। अगर किसान वगैरह देखे तो उन्हें अभी हाल थोड़ा सा इस बार एग्रीकल्चर थोड़ा सा वीक रहा है इंडिया का, तो उस रीजन से किसान वगैरह कैश उठा रहे हैं। और जो कॉरपोरेट लेवल पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है तो उनकी मार्केट में डिमांड बनी हुई है, उनका ज्वेलरी मार्केट में आज भी इंटरेस्ट बना हुआ है, लगातार बना हुआ है। संदीप, हम शांति भाई से भी बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि यहाँ पर मांग सोने की बड़ी है स्पेशली दिवाली के बाद और अब यहाँ पर लगातार बढ़त होने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है कहाँ से ज्यादा खरीदारी यहाँ पर आएगी? हम बात कर रहे थे कि फेस्टिविटीज अभी आगे और भी जारी हैं, शादियां हैं, एनआरआईज इस वक्त इंडिया में आना शुरू हो जाते हैं और रूरल मांग भी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ेगी सोने की, जिनके हाथ में खरीफ की फसल आई है वो रूरल इंडियंस भी यहाँ पर आके अब सोना खरीदना शुरू करेंगे। तो आपको क्या लगता है कितनी मांग यहाँ पर एक तो दिख रही है और पिछले साल के मुकाबले क्या नंबर्स हैं? संदीपन, कितनी मांग की उम्मीद कर रहे हैं आप? मैं समझा नहीं, प्लीज मुझे एक बार रिपीट करिए। जी संदीपन, मैं आपसे पूछ रही थी कि सोने की जैसे आपने कहा ज्वेलरी की मांग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है एनआरआईज की तरफ से, रूरल इंडिया की तरफ से, शादियों की वजह से भी, तो किस मांग की एक्सपेक्टेशन फिर हम यहाँ पर कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ
थोड़ा सा डिमांड लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ ज्यादा रहेगा इस साल इस सीजन में, क्योंकि अभी शादी का सीजन जस्ट शुरू हुआ है पिछले एक दो दिनों से, तो अभी हाल ठंड भी आने वाली है, तो उस हिसाब से थोड़ा एग्रीकल्चर भी पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो थोड़ा सा डिमांड तो इंक्रीज होना है। प्लस सेकंड एक और पॉइंट रहेगा कि थोड़ा सा गोल्ड प्राइस जो बढ़ा है पिछले कुछ 5-7 महीनों में, उसका इम्पैक्ट मार्केट में इतना पॉजिटिवली नहीं गया है। मतलब मार्केट में थोड़ा सा डिमांड जो है एज पर अमाउंट वाइज देखा जाए तो बड़ा है, बट एज पर द क्वांटिटी या जिसको कहा जाता है इन अ फॉर्म ऑफ टन अगर आप देखें तो थोड़ा सा कम हुआ है एज पर द वेट। तो संदीपन, जहां तक एक्सचेंज गोल्ड की बात है, स्क्रैप गोल्ड की बात है, कैश ऑन गोल्ड की बात है, ये इस ट्रेंड को एज ऑफ नाउ मार्केट कैसे देख रहा है? एज ऑफ इट्स राइट नाउ, मतलब वो ऐसी बात हो गई है कि ऊट किस तरफ करवट लेता है ये अभी डिटरमाइन नहीं कर सकते हम कि लोगों का परसेप्शन किस तरफ जाता है। अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, पिछले 5-7 महीनों में मार्केट थोड़ा सा सेंटिमेंट्स हम देखें रिटेल मार्केट तो थोड़ा सा बिगड़ा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा दिख रहा है मुझे मार्केट में। अब लेट्स सी क्या होता है आने वाले वक्त में। एब्सोल्युटली, इसके ऊपर ऑफकोर्स हमारी नजर रहेगी, लेकिन जिस तरह के नंबर्स है स्क्रैप गोल्ड यहाँ पर सेल काफी बड़ी है बाजार में, एक्सचेंज गोल्ड बाजार में बहुत आया है। शांति भाई, आपका क्या नजरिया है इस तरफ, क्या ये ट्रेंड हम यहाँ पर और भी बरकरार देखेंगे? एक तरफ तो शादियों की मांग यहाँ पर आती रहेगी और दूसरी तरफ जिस तरह का स्क्रैप गोल्ड का, एक्सचेंज गोल्ड का जो एक ट्रेंड यहाँ पर चला है, क्या आप देखते हैं उसके नंबर्स भी यहाँ पर बरकरार रहेंगे? शांति भाई से यहाँ पर फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक तो एक नजर यहाँ पर चांदी की तरफ डालेंगे जहां पर हमने पिछले हफ्ते करीबन 6.5% की गिरावट आते हुए देखी थी। कुणाल, यहाँ पर प्राइसेस में आपको कहाँ लगता है, क्या रेंज यहाँ पर भी बनती हुई नजर आती है स्पेशली इंडियन मार्केट्स के हिसाब से? आई थिंक सिल्वर में भी हमने जो मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल देखा है उसके बाद मैं ये हफ्ते में एक पुलबैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है 43,900 के आसपास आप सिल्वर में बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड आपको 44,400-45,000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, बट आई थिंक इट इज़ ड्यू फॉर सम बाउंस बैक और थोड़ा ओवरसोल्ड लग रहा है मुझे यहाँ पे। बाइंग इज रिकमेंडेड एट करंट लेवल्स एंड स्टॉप लॉस शुड बी प्लेस एट 43,650। 43,600 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट है, 44,500 तक के लेवल्स यहाँ पर चांदी में आपको देखने को मिल सकते हैं। शांति भाई से फिर यहाँ पर संपर्क कोशिश करेंगे। शांति भाई, मैं एक चीज जो यहाँ पर एस्टैब्लिश करना चाह रही थी शो में वो ये कि एक तो आप मुझे दोनों लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी लौटी है, लौटेगी आगे जाके शादियों की वजह से, लेकिन जो दूसरा बाजार यहाँ पर गर्म है वो है स्क्रैप गोल्ड, एक्सचेंज गोल्ड, कैश अगेंस्ट गोल्ड, यहाँ पर क्या ट्रेंड्स नजर आते हैं? मेरे हिसाब से स्क्रैप गोल्ड का दिवाली पहले थोड़ा ज़्यादा था, अभी दिवाली बाद मैंने जो सब जगह पे डिमांड आई है तो लोग अपनी कैश से और अपनी हिसाब से सोना परचेस करते हैं। दिवाली पहले जो भाव बढ़ा था इसी हिसाब से पुराना सोना लोग वापस देते थे, अभी नई जनरेशन के हिसाब से अभी जो देखा जाता है तो मेरे हिसाब से सोने में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोने में जो उनको प्रॉफिट मिला और भाव स्थिर हो गया है। पहले लगता था कि भाव के हिसाब से 2 महीने पहले थोड़ा सब लोग कंफ्यूज थे, नई पॉलिसी गवर्नमेंट की कोई आएगी, हम लोग ज्यादा सोना करेंगे तो परेशानी होएगी, ऐसी जब रोमल चलती थी हिसाब से भी मार्केट को थोड़ा इफेक्ट हुआ था, पर अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी ये कुछ आएगी तब की बात है, ये रोमल चली थी इस हिसाब से दिवाली के बाद सब लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए थे। कस्टमर पूछ रहे थे कि भाई हमने जो हमारे पास जो पुराना सोना है क्या होएगा क्या नहीं होएगा, हमने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, जो वुमन से 500-700 ग्राम तक की जो ज्वेलरी उनकी पास है, ऐसे उनके बच्चे को ही पास है, तो इसमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। गवर्नमेंट सोचती थी कि 2 लाख की जो मर्यादा है कैश की वो मर्यादा भी चालू है अभी की तारीख में, उसी हिसाब से ग्रामीण लेवल की किसानों की और बिजनेसमैन के साथ जो जुड़े हुए व्यापारी वर्ग है और जो गवर्नमेंट ऑफिसर का जो वर्ग है उनकी भी खरीदारी चालू है, उनको पगार की स्लैब भी अच्छी है, तो मैं मानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका हिंदुस्तान में नहीं है। सोना चांदी ज्वेलरी ऐसी है कि मोर शॉक के पास उनको 100% रिटर्न मिलता है और ये रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का जो मार्ग है वो भी चालू रहता है। लोग पहले बोलते थे टूरिज्म का मार्केट अच्छा है,
इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का मार्केट भी अच्छा है दिवाली पहले, तो मेरे हिसाब से फिर से जेमएल सेक्टर का भी जो मार्केट है वो शुरू हुआ है, मैं मानता हूँ और भी अच्छी तरह से मार्केट बढ़ेगा, खरीदारी अच्छी तरह से रहेगी। और वो पॉइंट आपका वेल टेकन है शांति भाई, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर क्लैरिफाई भी किया था कि ऐसी कोई एमनेस्टी स्कीम वो लेकर फिलहाल यहाँ पर भारतीय बाजारों में नहीं आ रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन यहाँ पर थोड़ा सा दूर होता हुआ नजर आया था। क्लियरली जो स्क्रैप गोल्ड और जो एक्सचेंज गोल्ड था और जो नंबर्स हैं, हम पिछले महीने और दो पहले महीने पहले की बात कर रहे हैं, अब जब हमारे एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा वो ट्रेंड नजर नहीं आता, आगे जाके यहाँ पर मांग निकल सकती है एनआरआईज की, रूरल इंडिया की और शादियों की, तो उस पर एक नजर बनाए रखनी चाहिए। संदीपन और शांति भाई, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए और वो राय हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर रखने के लिए। इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक और कमोडिटी की बाजार की कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे इस ब्रेक के बाद। Mogya Steel presents Majboot Stocks of the Day. Powered by BSC. Experience the new. लगता है हाउसवार्मिंग में सबको इम्प्रेस करके छोड़ोगी। तुम अपने काम पे ध्यान दो। जी मैडम। एक बार आके देख लो, कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। सिर्फ मेरा नाम क्यों? अरे जिसने घर खरीदा है उसी का नाम होना चाहिए ना। और फ्रेंड्स क्या कहेंगे? फ्रेंड्स कहेंगे कि काश अपनी बीवी भी ऐसी होती। पिछले 100 सालों से ऐसी हर अच्छी शुरुआत का साथ दे रहे हैं हम और हमारी न्यू एज बैंकिंग सर्विसेज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा G प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा G प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। Capital has one meaning, and that is capital with joy. Pantomath, providing right capital for the right purpose. Plaster Gold water tank है 100% food grade plastic से बना water tank, जो है पीने के पानी के लिए पूरी तरह सुरक्षित। Plaster है तो guarantee है। Finvisia, India का commission free financial ecosystem. Zero brokerage intraday, zero brokerage delivery, zero account opening charges, zero AMC. Zero clearing charges, zero call in trade, zero minimum balance, zero volume commitment. यहाँ zero का मतलब zero है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The world is too big for any of us to change it alone. But we can change our world, our space, our environment. Because when we change what we can, we end up changing the world. And often all it takes are the few to inspire the others. By switching to an electric car. Let's do it together and inspire others to join the movement. Change what you can with the MG ZS EV. पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से आप सभी को 550वीं गुरु नानक जन्मतिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। के प्रायोजक है साविया ज्वेल्स, इंडियाज लीडिंग ज्वेलरी ब्रांड। GK TMT, हमारी ताकत देश की हिम्मत। और अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। अब नजर डालेंगे यहाँ पर बाकी कमोडिटीज में, जहाँ पर यूएस चाइना की डील को लेकर फिर से आशंकाएं पैदा होने की वजह से कच्चे तेल में हमने 1% की गिरावट आते हुए देखी है। कुणाल, अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? 4045 जैसे स्तर यहाँ पर भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहे हैं। वेल आई थिंक थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है ऑयल आप 4050 में अगर सेल करते हैं तो आपको ऑन द डाउनसाइड 3990 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं।
और इसका जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट कहा, ये जो वॉलेटिलिटी है ट्रेड वॉर को चलते हुए, एक दिन ऐसा आता है कि ये डील हो जाएगी, एक दिन डिले हो जाएगी, सो ये वॉलेटिलिटी के चक्कर में आपको ऑयल थोड़ा नीचे मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा मंदी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है ऑयल में। सो 3990 के आसपास आप फिर से धीरे धीरे लॉन्ग पोजिशन बिल्टअप करना चालू कर सकते हैं, बट इंट्राडे के लिहाज से सेलिंग करना ज़्यादा बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। मेटल्स में क्या ध्यान यहाँ पर लगता है, क्योंकि यूएस और चाइना एक तरफ है, चाइना में जो डेटा आया है वो भी ऑन द वीकर साइड है, और अब ईयर एंड डीस्टॉकिंग फाइनेंशियल बुक्स बंद करने की बातचीत भी यहाँ पर चल रही है, तो उसका भी असर हम यहाँ पर आता हुआ भावों पर देखेंगे। मेटल्स में अब यहाँ पर नियर टर्म के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो? मेटल्स में आई एम ऑप्टिमिस्टिक, मुझे लग रहा है कि ये जो थोड़ा डिले हुआ है उसके चलते हुए मेटल आज नीचे आए, और आज एनीवे यूएस मार्केट्स बंद है, बट कॉपर वेरी बुलिश, 440 के लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं 437 के स्टॉप लॉस के साथ, और 446-447 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, खरीदारी की राय यहाँ पर कॉपर में बनती हुई, लेकिन एग्री कमोडिटीज पर भी ध्यान देना चाहिए, जहां पर खाने के तेलों में आज मजबूती देखने को मिली है। मलेशिया में पाम तेल का उत्पादन घटने और एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण एमसीएक्स पर सीपीओ के भाव आप देख सकते हैं अच्छी खासी बढ़त वहां पर देखने को मिली है, और सोया तेल में भी करीबन 1.5% की तेजी वहां पर है। इसी के साथ अगर हम नई फसल की आवक बढ़ने से कपास खली और कॉटन की कीमतों में आज यहां पर दबाव देखने को मिला है, मुनाफा वसूली वहां पर जारी है। कुणाल, दोनों ही सेक्टर्स में आपकी यहां पर टॉपिक्स क्या होंगे? आई थिंक एग्री सेक्टर में अगर आप ऑयल सीड्स की बात करेंगे, हम लगातार मेंशन करते आ रहे हैं दैट ओवरऑल आउटलुक ऑफ ऑल द एडिबल ऑयल्स एंड सीड्स इज पॉजिटिव, सो आई स्टिल स्टिक टू दैट व्यू। मुझे लग रहा है कि सीपीओ बेटर रहना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, और सीपीओ में आपको और 10-15 रुपए की अपसाइड, सो 655-60 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। और जहां तक रिफाइंड सोया ऑयल की बात है, रिफाइंड सोया ऑयल में भी मुझे लग रहा है कि आपको 820 से 825 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। मुझे याद है आपने कहा था खाने के तेलों में लगातार यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, और क्लियरली वो हमने यहाँ पर बनते हुए देखा है। 2% की तेजी सीपीओ में, 1.25% की तेजी सोया तेल में, सोयाबीन में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। कुणाल, यूएस और चाइना की जब हम बात करते हैं तो हम कच्चे तेल और मेटल्स की बात तो करते ही हैं, लेकिन यूएस और चाइना का खासा असर हम इन दोनों सेक्टर्स पे भी आता हुआ देखते हैं, चाहे वो सोयाबीन है, चाहे वो कॉटन कपास वगैरह है, तो यहाँ पर एक लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तरफ से, और जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं ऑफकोर्स वहां पे आवक की वजह से इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स डिमांड वो सब के भी फैक्टर्स रहेंगे, लेकिन एक ओवरऑल ट्रेंड आपको आगे जाके क्या नजर आता है? ये जो फर्स्ट फेज था डील का, ये जो यूएस और चाइना की डील है वो 3 फेज में होने वाली है, सो ये जो फर्स्ट फेज था उसमें मेन फोकस था ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सो यूएस ने जो भी यूएस का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जैसे सोयाबीन है, सोया ऑयल है, ये सब चाइना ने यूएस से इंपोर्ट करना बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ द ट्रेड स्पैट, सो ये फर्स्ट फेज में ये एग्रीकल्चर कमोडिटी में सबसे बड़ी मूवमेंट आएगी, और इसी के कारण हम देख रहे हैं सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव हो गया है। दूसरा प्रोडक्शन, ये साल प्रोडक्शन में भी आपको एक इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप देखने मिल सकता है, सो इंटरनेशनल यूएस और चाइना का ट्रेड एग्री का बढ़ेगा वो, और साथ में प्रोडक्शन कम, सो दैट इज एडिंग फ्यूल इन द बुलिश सेंटिमेंट, सो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मुझे अपसाइड का ही लग रहा है। एक फाइनल सवाल लेना चाहेंगे कुणाल, बाकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, क्योंकि गुआर में हल्की सी बढ़त है, मसालों में हमने काफी इंटरेस्ट आते हुए देखा है, वॉल्यूम्स ओपन इंटरेस्ट में हल्की सी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, ओवरऑल जो ये पूरा साइक्लोन्स का मामला है, खरीफ की आवक में देरी है, रबी की बुआई में अच्छी खासी देरी के साथ बाजार अब यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन एक तरफ लिक्विडिटी क्रंच भी है, काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर की तरफ भी आते हुए देखी है, यहाँ पर ओवरऑल सेक्टर के लिए अब आप यहाँ पर कैसे कारोबार करना चाहेंगे? जी, कोई लंबी तेजी या कोई बहुत लंबे अपसाइड ऐसा नहीं लग रहा है विंटर क्रॉप्स में, बिकॉज यस वी हैव अ रेन प्रॉब्लम, बट इट्स टू अर्ली टू से कि ये कमोडिटी में इतना डैमेज होगा इसके कारण। जीरा जैसी सेंसिटिव कमोडिटी है जो वेदर पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे टाइम पे, सो मुझे लग रहा है जीरा में थोड़ा ध्यान तेजी का बनना चाहिए। ओवरऑल बहुत अच्छी हमने मंदी देख ली, गिरावट देख ली थी, 16,000 रुपये में आप जीरे में बाइंग कर सकते हैं 16,300-16,400 के टारगेट के लिए, और 15,750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए।
चलिए मसालों में वो टॉपिक आती हुई है, खरीदारी की राय यहाँ पर जीरे में भी 16,000 के लेवल्स पर जीरा यहाँ पर आकर्षक नजर आता है। कुणाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो सभी स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, हमारे व्यूअर्स को मदद करने के लिए। फिलहाल कमोडिटी राउंडअप में आज इतना ही, लेकिन आगे देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. के प्रायोजक है साव्या जूल्स, इंडियाज लीडिंग ज्वेलरी ब्रांड। जीके टीएमटी, हमारी ताकत देश की हिम्मत। और अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। लगता है हाउस वार्मिंग में सबको इम्प्रेस करके छोड़ोगी। तुम अपने काम पे ध्यान दो। जी मैडम। एक बार आके देख लो, कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। सिर्फ मेरा नाम क्यों? अरे जिसने घर खरीदा है उसी का नाम होना चाहिए ना। और फ्रेंड्स क्या कहेंगे? फ्रेंड्स कहेंगे कि काश अपनी बीवी भी ऐसी होती। पिछले 100 सालों से ऐसी हर अच्छी शुरुआत का साथ दे रहे हैं हम और हमारी न्यू एज बैंकिंग सर्विसेज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जो चीज जितनी अहम होती है उतनी ही नजर में नहीं आती, जैसे स्टील पाइप देश के हर हिस्से हर घर में दिखेगा। कभी मुस्कुराहट तो कभी अपनों की खुशियों में दिखेगा। हमेशा देखेंगे एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स की अनदेखी ताकत, जो मजबूती दे रही है आपको, देश को। रोज गुजरता हूँ, मेरा ध्यान नहीं गया। एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स, देश की अनदेखी ताकत। घर में फैमिली की डिमांड्स और ऑफिस में काम की, इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम कहाँ मिलता है? मिलता है, क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC, मनी वाइज बी वाइज। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पहली चाल शानदार रणनीति बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी, जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है SMC, मनी वाइज बी वाइज। दौड़ेगा भागेगा बाबा, ऑल सीजन के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। दोस्तों CPVC पाइप्स ना गले ना जंग लगे, बेमिसाल मजबूती और सालों साल चलने की गारंटी। प्लास्टो है तो गारंटी है। अकेले अकेले मत खाइए, इन्हें भी इनकी कमीशन खिलाइए। क्या आप रियल लाइफ में ऐसा होने देते हैं, फिर ट्रेडिंग में क्यों? इन्वेजिया, इंडिया का कमीशन फ्री फाइनेंशियल इकोसिस्टम। यहाँ जीरो का मतलब जीरो है। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जीके टीएमटी के सामने आग, संग, भूकंप जैसा हर खतरा जरूर सलाम ठोकेगा। जीके टीएमटी सरिया, हमारी ताकत देश की हिम्मत। पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से आप सभी को 550वीं गुरु नानक जन्मतिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। Guys, we still need to find a hotel. Guys, chill. Trivago पे चेक करते हैं। Trivago प्रमुख बुकिंग वेबसाइट्स को होटल डील्स के लिए स्कैन करता है, ताकि आप अपने पसंदीदा होटल पे सबसे अच्छी डील पा सकें। होटल Trivago। MYK Latte Crate Tile Adhesive, अब टाइल ना टूटेगा ना छूटेगा। फ्लैट 47, सनराइज अपार्टमेंट्स, ब्लॉक सी, कोची 78। 9/2 समृद्धि कॉलोनी मेरठ 103। 11B पहाड़पुर रोड सूरत 25। 25 नहीं 26। 74/4 सुभाष चटर्जी लेन कोलकाता 52, यहाँ से 20 मिनट पैदल।
अब सबका अपना पता होगा। ग्रुप फाइनेंस अब बन गया है बंधन बैंक का हिस्सा। अब इजी होम लोन्स के साथ इंडिया करेगा गृह प्रवेश। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। के प्रायोजक है मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में हल्का दबाव। निफ्टी 11,850 के बेहद नजदीक रिलायंस टीसीएस इंफोसिस ने बनाया निफ्टी पर दबाव।